आप सभी का एक बार फिर से जेएन क्लासेस द्वारा संचालित निशुल्क कोचिंग क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। देखिए, कृषि दो प्रकार की होती है, एक जीवन निर्वाह कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि। तो जीवन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि जितना उत्पादन होता है यहां, वो सारा का सारा उत्पादन परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खत्म हो जाता है। यानी उतना ही उत्पादन किया जाता है कि अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो जैसे खाद्यान्न आवश्यकता है परिवार की, जितना अनाज साल भर में परिवार को चाहिए, पांच आदमी है परिवार में, उन पांचों को खाने के लिए जितना अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, उतना ही पैदा होता है। इतना उत्पादन इतना अधिक नहीं होता है कि घर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, फिर उसको बाजार में भी बेच दें। आप उत्पादन ही इतना कम होता है, उपज ही इतनी कम होती है खेत में कि केवल अपनी घरेलू आवश्यकता ही पूरी हो पाती है, बाजार में बेचने का तो सवाल ही नहीं होता इसमें। तो यहाँ क्या होता है, जीवन निर्वाह का मतलब बस अपना भरण पोषण हो जाए। किसका? अपने का मतलब किसका? किसान के परिवार का, जो खेती कर रहा है उस किसान के परिवार का भरण पोषण हो जाए। मतलब बस उनको जितना अनाज चाहिए उतना पैदा हो जाए, उसमें खाने के लिए जितना चाहिए उतना पैदा हो जाए। अच्छा, वाणिज्यिक में क्या होता है, इसमें उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और उस उत्पादन को बाजार में बेचा जाता है। जो कृषि उत्पाद होते हैं, फसलें होती है, उनको बाजार में सेल किया जाता है। वही खेती इसलिए की जाती है कि भाई हमें फसलों को बेचना है बाजार में, पहले से पर्पज ये रहता है वाणिज्यिक कृषि में। इसलिए अब इसकी विशेषताओं में आप जाएंगे, यहाँ बड़े खेत होंगे भाई, बाजार में कब बेचा जाएगा, जब किसान बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। और बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन कब होगा, जब बड़ा खेत होगा। तो यहाँ खेत बड़ा होता है, यहाँ छोटा खेत होता है। छोटा खेत होने के कारण क्या होता है, उत्पादन कम होता है, तो फिर बेचने का सवाल ही नहीं। अच्छा, फिर यहाँ श्रम अधिक होता है। श्रम अधिक का मतलब मजदूरी, यानी इंसान लोग ज्यादा काम करते हैं, मजदूर ज्यादा काम करते हैं, मशीनें कम काम करती है, मशीनों का उपयोग बहुत कम किया, न के बराबर किया जाता है, कम किया ये मानो नगण्य उपयोग है मशीनों का। और यहाँ पे मशीनों का अत्यधिक उपयोग, सारा ही काम लगभग मशीनें ही करती है। तो जहां मशीनें अधिक होगी वहां श्रम कम, मजदूर कम होंगे और पैसे अधिक खर्च होंगे। इस खेती में पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है, मशीनें बहुत महंगी आती है, ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह, पानी के बड़े पंप है, तो खरपतवार के लिए भी मशीनें हैं, दवा छिड़कने के लिए मशीनें हैं। तो ये आप समझे ना, पूंजी यानी पैसा अधिक खर्च होगा। अधिक इसलिए होता है कि वो मशीनें काम में नहीं जाती है, और मशीनें काम में लेने का रीजन ये भी होता है कि खेत बड़ा होता है, आदमी तो कर ही नहीं सकते काम। आप इसका बड़ा रूप देखेंगे यूएसए में, अमेरिका में, वहां गेहूं के खेत है, तो क्या करते हैं, गेहूं के खेतों में हेलीकॉप्टर को काम में लेते हैं। दवा का छिड़काव करना हेलीकॉप्टर से करेंगे, बीज का छिड़काव करना है हेलीकॉप्टर से करेंगे। तो वहां क्या है, मशीनें ज्यादा काम में ली जाएगी ना, तो पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, इसलिए इसमें पूंजी अधिक खर्च होती है। और बड़े खेत होते हैं, यहां श्रम अधिक है, मशीनें कम है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अच्छा, अब इस जीवन निर्वाह कृषि को फिर वापस दो भागों में बांटते हैं, एक तो सामान्य निर्वाह और एक गहन निर्वाह। ये की जाती है जनजातियों द्वारा, और ये सामान्य अपने जो व्यक्ति है उनके द्वारा की जाती है। तो ये जो सामान्य निर्वाह ना, इसमें क्या होता है, खेत की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई खेत छोटा है, ये समस्या नहीं होती है। दोनों में मेजर अंतर क्या है, यहाँ खेत जितना चाहिए उसको उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ खेत की बड़ी समस्या होती है, खेत छोटा होता है, उसको बढ़ा नहीं सकते। हर साल या हर दो तीन साल चार साल में जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी, बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी परिवार में, लेकिन खेत का आकार नहीं बढ़ेगा। इस कृषि में क्या होगा, खेत का आकार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चारों ओर दूसरों के खेत होते हैं, तो बड़े तो कहां बैठे। इसलिए यहां क्या होगा, जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है इस कृषि में, तो दबाव अधिक होने की वजह से उस एक ही खेत से ज्यादा फसल लेने का प्रयास किया जाता है। एक एक फिट जमीन का उपयोग किया जाता है, छोड़ते नहीं बिल्कुल भी, मेड़ भी बहुत थोड़ी सी रखते हैं कि भाई इंसान निकल जाए बस पैदल। गहन कृषि में ये होता है, क्योंकि अगर ऐसे जमीन व्यर्थ में छोड़ देंगे, पहले तो खेत छोटा होता है, जनसंख्या ज्यादा होती है परिवार की, परिवार बड़ा होता है, खेत छोटा, अब भरण पोषण गरीबी की वजह से दूसरा कोई सोर्स है नहीं इनकम का, परिवार पूरा ही उस खेत पर ही आश्रित है, तो पूरे परिवार वाले क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फसल ले, इससे साल में दो फसलें तीन फसलें ली जाती है, यहाँ खेत को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ दे, 365 दिन या कम से कम ये मानो कि दो फसलें तो ली जाती है इसमें, समझे।
तो ये इसमें गहन निर्वाह कृषि में ये होता है, जनसंख्या का दबाव अधिक होगा और अब इसमें क्या होगा, श्रम इसमें बहुत अधिक लगाया जाता है। श्रम इसलिए लगाया जाता है कि घर में इतने मजदूर होते हैं, आदमी होते हैं काम करने वाले, कि उनको काम में लिया जाता कि भाई इनका क्या करेंगे, ये भी तो फालतू बैठे हैं। इसलिए मशीनों में पैसे खर्च नहीं किए जाते, और छोटा खेत है तो मशीनों का क्या उपयोग करेंगे, 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा जमीन में, 8 बीघा है इन जमीनों, ऐसे खेत में क्या मशीनों का उपयोग कर पाएगा वो, तो क्या करते हैं श्रम का ही उपयोग होता है, यानी इंसान ही काम करते हैं और कम मशीन। अब जहां इंसान ज्यादा काम करेंगे तो मशीनों का उपयोग कम होगा, वहां जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है खेत पे, एक ही खेत पर 2 बीघे के खेत पर 10 आदमी आश्रित, तो उससे ज्यादा से ज्यादा फसल लेने का, उपज लेने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें अभी इसको यहीं तक ही वापस आएंगे इस पे, इसकी तुलना इससे करते सामान्य निर्वाह में क्या होता है, ये जनजातियां करती है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो स्थानांतरी कृषि और एक चलवासी पशुचारण। ये जो स्थानांतरी कृषि है या स्थानांतरणशील कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये इसके अंतर्गत क्या होगा, यहां फसल उत्पादन किया जाता है, फसल उत्पादित की जाती है, और फसलें कौन सी, केवल खाद्यान्न बोया जाएगा, गेहूं है, चावल है, ज्यादातर चावल ही बोया जाता है, तो गेहूं चावल और जैसे या जैसे जो ज्वार बाजरा इस तरह की फसल बोई जाएगी, यानी जो फसल खाने के काम में आती है वही बोई जाएगी। ऐसा नहीं है यहाँ पे कपास बो रहा है या तिलन बो रहा है, भाई मूंगफली बो दी, सोयाबीन बो दिया, या गन्ना बो रहा है, या कोई रबड़ के बागान लगा रहा है, इस तरह की कॉमर्शियल खेती नहीं होती है, व्यावसायिक खेती नहीं होती है, यहाँ तो खाद्यान्न बोया जाता है। इसलिए खेती क्यों कर रहे हैं कि भाई खाने के लिए अनाज जुटाने हेतु, भाई अपने घर में जो रोज रोटी की जरूरत पड़ती है सुबह शाम, उसके लिए अनाज मिल जाए, इसलिए खेती की जाती है, उतनी की जाती है कि अपने अनाज की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, सुबह शाम रोटी जितनी चाहिए वो अपने को मिल जाए, ये पर्पज होता है, और कोई पर्पज इस खेती का नहीं होता है। अब ये जनजातियों द्वारा की जाती है, खाद्यान्न की प्रधानता, ये इसका बहुत बड़ा फैक्ट है। और इसकी विशेषता क्या है, स्थानांतरित कृषि की विशेषता समझिए इसमें, कि इसमें कर्तन व दहन की क्रिया अपनाई जाती है, इसलिए इसको कर्तन व दहन कृषि कहते हैं। कर्तन व दहन का मतलब स्लेश एंड बर्न, कर्तन यानी स्लेश, इंग्लिश में स्लेश कहते हैं इसको, इसका अर्थ होता है काटना, कतरना। किसको काटा जाता है यहां, इंसानों को नहीं या जानवरों को नहीं, यहां काटा जाता है जंगलों को, पेड़ पौधों को। ये पूरी कृषि जो है, इस प्रकार की कृषि कहां की जाती है, जंगली एरियाज हैं, जंगल है, वन क्षेत्र है भारत में, जहां वन क्षेत्र वहीं की जाती है, मैदानी भागों में इस तरह की कृषि नहीं होगी। तो यहां क्या होता है कि पहले जंगल को काटा जाएगा, जैसे किसी जगह खेत बनाना तो जंगल काटेंगे, यानी पेड़ पौधे काटेंगे, काट के फिर उसको जलाया जाता है, जमीन को साफ करेंगे ना, उसको उठाएंगे कैसे, जो पेड़ पौधे कटे उस मलबे को उठाने के लिए, उस कचरे को उठाने के लिए उसको जलाया जाता है, जलाकर उसकी राख को अलग कर देते हैं, और फिर वहां पे खेती की जाती है, फसल उत्पादित की जाती है। तो कर्तन और दहन क्रिया हो गई ना, काटना, कतरना व दहन, दहन का मतलब जलाना, बर्निंग, तो स्लेश एंड बर्न कृषि कहते हैं इसको। अभी सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्लेश एंड बर्न कृषि का संबंध किस प्रकार की कृषि से है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि भी था, पशुचारण कृषि भी था, मत्स्य पालन भी था, तो उसमें एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन था वो ये था, स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। कितनी बार, कितने ही एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा गया है, अभी क्या पूछते हैं आगे बताते हैं। एक तो ये भी पूछा जाता है स्लेश एंड बर्न के बारे में, अच्छा भारत में ये कहां कहां की जाती है, अच्छा इसका मतलब समझ गए ना आप, कि क्या करेगा किसान, जंगल को काटेगा, काटने के बाद वहां फसल बोई जाती है, मतलब उसको जो वृक्ष है काटे हुए उनको जलाया जाता है, जलाने के बाद फिर वहां फसल बोई जाती है। लेकिन एक बड़ा फैक्ट इसमें यह है कि फसल 2-3 साल तक ही बोई जाएगी, फिर उस 2-3 साल बाद उस खेत को छोड़ देंगे, छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जंगल में, और वही पहले वाली क्रिया वहां भी अपनाई जाती है, यानी वृक्षों को काटा जाता है, काटकर उनको जलाया जाता है, खेत बनाया जाता है, फिर वहां फसल उत्पादन किया जाता है, और ये जो फसल है वो कितने साल तक बोई जाएगी, 2-3 साल तक।
दो तीन उपजे फसलें ले लेते हैं वहां। अच्छा, साल में एक ही फसल ली जाती है यहाँ, पूरी कृषि पर आपको इस पे वर्षा पर आश्रित होती है, सिंचाई विचाई की कोई फैसिलिटी नहीं होती यहाँ। अच्छा, यहाँ पे किसी मशीन वसीन का उपयोग नहीं होता, ऊपर भी हमने लिख रखा है मशीन का तो उपयोग होता ही नहीं इसमें, सारा काम इंसान ही करते हैं, मजदूर ही करते हैं, किसान के परिवार के लोग ही करते हैं। तो यहाँ क्या मेन फैक्ट क्या हुआ, दो तीन साल एक जगह जंगल काट के वहां खेती करेंगे, फिर दूसरी जगह जाके वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब आप आपके दिमाग में शायद ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि साहब जी ऐसा ऐसा क्यों करते हैं, छोड़ते क्यों उसको, उसको खेत को छोड़ा क्यों जाता है। छोड़ा इसलिए जाता है कि यहां इस खेती में एक साल दो साल तीन साल बाद क्या होता है कि उसकी जो वहां जो मिट्टी होती है उस खेत की, उसकी उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन, फर्टिलिटी पावर वो कम होता जाता है। जैसे इस साल मान लीजिए उस जनजाति ने इस साल पहले साल 5 बीघा का खेत तैयार किया, उसमें पैदा हुई 15 बोरी गेहूं की, हो गई ना। अब अगले साल क्या किया उसने, 15 बोरी हो गई, अगले साल उसी खेत में वापस बुआई की गेहूं की और कितनी हुई, 12 बोरी हुई, फिर अगले साल 8 बोरी हुई। तो वो क्या होता है कि उत्पादन कम होता जाता है, इसलिए उसको मजबूरन उस खेत को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। उत्पादन कम क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि ये बिल्कुल कौन सी कृषि है, प्राकृतिक कृषि है, यानी यहां पर उर्वरकों या खाद का उपयोग नहीं होता। और बिना खाद के क्या होता है कि आप जानते हैं मृदा जो होती है, मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं अगर आप ऊपर से उनकी भरपाई नहीं करोगे तो वो कम होते होते जाते हैं हर साल, जैसे नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। अब इनकी पूर्ति के लिए अपने यहां क्या किया जाता है, राजस्थान के किसान क्या करते हैं, आपके खेत उसमें क्या करेंगे, हर साल जो फसल बोएंगे तो साथ में वो भी तो दिया जाता है ना, नाइट्रोजन खाद भी देंगे, पोटास भी देंगे, फास्फोरस भी देंगे, देते हैं ना, यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं। तो वो क्यों दिया जाता है कि हम जो फसल बो रहे हैं ना, इस फसल से उस मृदा में पोषक तत्व कम हो जाएंगे, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो फिर अगले साल फसल नहीं होगी, एक साल ले ली आपने, अगले साल कम हो जाएगी, फिर अगले साल और कम हो जाएगी। तो वो उर्वरा शक्ति बनी रहे, पोषक तत्व बने रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम तरीकों से उनको उनकी भरपाई कर देते हैं खाद देकर। अब ये रहे जनजाति लोग, ये आदिम जाति के लोग, ये जानते नहीं, बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है, तो ये क्या करते हैं, परंपरागत तरीके से करते हैं खेती, खाद वाद कभी इस्तेमाल करते नहीं। तो खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, मृदा में दो तीन साल आप फसल ले लो, फिर वहां उत्पादन कम हो जाएगा। तो कम हो जाता है ना, यानी क्या कारण रहा उत्पादन कम होने का, उर्वरकों का अभाव, यानी ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स द प्रोडक्शन डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड इट मेक्स द फार्मर्स टू शिफ्ट देयर फार्म्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनका खेत इसलिए स्थानांतरित होता है क्योंकि धीरे धीरे उत्पादन कम होता जाता है उर्वरकों के अभाव में, ये कारण इसका रहा है। अब इसमें चलेंगे नीचे कि भारत में ये कहां की जाती है इस प्रकार की कृषि। पहली बात तो जनजातियां करती है, एकदम से इसको याद कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, अब भारत में कहां की जाती है, वहां लोकल भाषा में उस कृषि को कहते क्या है। सबसे पहले उत्तरी पूर्वी भाग, इसमें मुख्य उत्तरी पूर्वी भाग का मतलब असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये राज्य आ गए। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है असम में, और असम में इस कृषि को कहते हैं जूमिंग कृषि या जूम कृषि, दोनों ही लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, कितनी बार आया हुआ है कई एग्जाम्स में कि जूमिंग कृषि का संबंध किससे है, या तो राज्य पूछ लेते हैं कहां की जाती है या किस प्रकार की कृषि है, तो अपने को क्या आना चाहिए, स्थानांतरी कृषि है। जूमिंग कहते हैं असम में, एकदम रट लेना इस शब्द को। अच्छा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी होती खेती है और वहां इसको बेवर कहते हैं। मध्य प्रदेश के जो आदिवासी लोग है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग है, जो जगदलपुर, दंतेवाड़ा, नक्सली एरिया है ना पूरा, बस्तर वगैरह, यहाँ के आदिवासी लोग भी यहाँ करते हैं इस खेती को, वहां भी जंगल काटे जाते हैं और ये खेती की जाती है, वहां उसको बेवर कहते हैं एमपी में और छत्तीसगढ़ में। एक यही खेती पश्चिमी घाट में भी होती है, पश्चिमी घाट जानते हैं ना, गुजरात से लेकर केरल तक, बंगाल की खाड़ी के सारे सारे, एक विशाल पर्वतमाला, ऊंची पर्वतमाला स्थित है, उसे कहते पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो वहां पर भी घने जंगल पाए जाते हैं, बारिश भी खूब होती है वहां,
तो यहां भी क्या आ गया, जनजातियां जो ये स्थानांतरित कृषि करती है और मुख्य रूप से ये केरल में की जाती है, क्योंकि केरल में भी पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। अब वहां एग्जाम में क्या होता है, कई बार केरल पूछ लेते हैं, कई बार पश्चिमी घाट आ जाता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, साहब आपने केरल बताया था पश्चिमी घाट आ गया, या पश्चिमी घाट बताया था केरल आ गया। अरे भाई इसमें क्या है कि जो केरल है ना, केरल में जो पर्वतमाला है, जो पर्वत है जहां जंगल स्थित है, उसका नाम पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है ना, तो इसलिए चाहे पश्चिमी घाट कहो या केरल कहो एक ही बात है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला केरल में स्थित है, तो आप आपको दोनों ही आना चाहिए। तो यहाँ केरल में जो कृषि की जाती है पश्चिमी घाट पर्वतों में, उसको पोनम और कुमारी दो नामों से जाना जाता है, कुछ एरियाज में पोनम कहते हैं, किसी में कुमारी कहते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है, हमने आपको ज्योग्राफी में अब बताएंगे, इसमें इसकी क्लास होगी तो आपको बताएंगे, पूर्वी घाट जो पर्वतमाला है आंध्र प्रदेश में, उसको पोदु कहते हैं, और ये जिसे आप जानेंगे इसको, अभी हम चलेंगे यहाँ पे कहाँ बनाएंगे, देखो जगह यहाँ पे स्पेस कम है, आप इसको यहां समझ लें, ये भारत है, दक्षिणी भारत है, अब दक्षिणी भारत में आप चलेंगे ना, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला और ये पूर्वी घाट पर्वतमाला, तो ये केरल आ रहा नीचे, तो पश्चिमी घाट पर्वत में यहां जो कृषि की जाती है इसको तो कहेंगे ओनम प्लस कुमारी, दो नाम है ना, ये जो कृषि होती है यहां इस इलाके में, इस इलाके में जो कृषि होती है, और इधर चलेंगे पूर्वी घाट, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूर्वी घाट पर्वतमाला बीच में, ये पूर्वी तटीय मैदान है, ये आपकी चेन्नई वगैरह विशाखापट्टनम ये इधर स्थित है। तो यहां पे क्या होता है, आंध्र प्रदेश का जो इलाका पड़ता है ये यहां पे की जाती है, इसको पोदू कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश में पोदू और यहां पोनम और कुमारी कहते हैं, याद रखेंगे एकदम से। अच्छा इसको हिमालय में क्या कहते हैं, अब हिमालय की बात चली तो हिमालय का मतलब हिमाचल प्रदेश से है, यहां हिमालय में कहां की जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, हिमालय तो देखो जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, उधर चलेंगे आप सिक्किम में भी है, है? असम में भी है, लेकिन हिमालय के अलग अलग भागों में इसको अलग अलग भाग के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको क्या जाना जाता है, खील, इसको खील कहते हैं, वहां हिमाचल प्रदेश में भी ये कृषि की जाती है, स्थानांतर कृषि, वहां की जनजाति है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वगैरह भी, ये जो जनजाति इलाका है, तो वहां पे ये कृषि की जाती है। हिमालय भी आ सकता है एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश भी आ सकता है, तो आपको खील याद रखना है, क्योंकि हिमालय हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। इधर असम का आएगा तो असम में तो या तो उत्तरी पूर्वी भाग लिखा हुआ आएगा या फिर असम लिखा हुआ आएगा, वहां हिमालय नहीं आएगा, समझे ना, इसलिए यहां कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहां हिमालय आएगा तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आएगा, ये याद रखिएगा। और इधर अब तक जब भी आया क्वेश्चन तो उत्तरी पूर्वी भाग पूछा जाता है या असम लिखा होता है उसमें, मेन असम आता है उसमें, तो आप ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में खील कहते हैं या हिमालय में इसको खील कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां भी ये कृषि की जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलो द्वारा, कौन सी जनजाति राजस्थान में, तो मुख्य रूप से भील ही जनजाति, तो भीलो द्वारा की जाती है, और भील लोग क्या कहते हैं इसको, वालरा, यहाँ का लोकल नाम है, कितने बार एग्जाम में आया हुआ है, आर इस मेन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, वालरा पे 20 शब्द लिखिए, तो ये वालरा स्थानांतरित कृषि है जो भीलो द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा या उदयपुर के कुछ भाग में की जाती है। अच्छा इसका दूसरा नाम दजिया और चिमाता भी है, लेकिन पॉपुलर नाम ये वालरा ही है, वालरा को तो एकदम याद रखना अपने को, और दजिया चिमाता भी आपको आना चाहिए, अगर पूछ ले भाई तभी कई बार आ जाता है कि दजिया और चिमाता का संबंध किस प्रकार की कृषि से है, तो वो आपको आना चाहिए, वालरा तो बिल्कुल एकदम से आना चाहिए अपने को। अच्छा आगे चलेंगे, इसमें ये हो गया आपके स्थानांतरित कृषि, अब चलेंगे आगे इसी में सामान्य निर्वाह में, यहां भी सामान्य निर्वाह ही हो रहा है ना, यानी यहां उत्पादन उतना ही हो रहा है कि अपनी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और अच्छा यहां फिर यहां और उसमें क्या फर्क रहा, गैन में, इसमें गैन में ये फर्क रहा कि यहां भी उत्पादन तो उतना ही होता है जितनी आवश्यकता होती है परिवार की, उतना अनाज पैदा हो जाता है, लेकिन इसमें इसमें फर्क ये है कि यहां वहां खेत नहीं बढ़ा सकते, यहां खेत बढ़ा सकते हैं चाहे तो,
थोड़ा और जंगल काट लेंगे, आसपास तो किसी का कहते होता ही नहीं जंगल होता है। हालांकि सरकार ने कानूनी रूप से तो रोक लगा रखी है, लेकिन अब डीप जंगल में ये लोग रहते हैं तो वहां प्रशासन के लिए भी थोड़ा कठिन होता है इनको रोकना करना, कार्रवाई करना, पकड़ना करना। तो ये काम अभी चल रहा है, बदस्तूर जारी है उधर, हालांकि कम हुआ है कुछ तो पहले की तुलना में। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि इसमें खेत की प्रॉब्लम होती है, खेत को बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए गहन करते हैं। फिर जो है जिससे ज्यादा से ज्यादा फसल लो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा वाली प्रॉब्लम नहीं है, वहां साल में तीन या दो तो लेते ही लेते हैं फसलें, रबी खरीफ तो लेनी लेनी है, कई बार जायद भी ले लेते हैं। और यहाँ क्या होता है, एक ही फसल लेते हैं क्योंकि वहां तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ रबी में क्या करेंगे, बाय द वे बारिश नहीं हो तो यहाँ क्या करते हैं, बस बारिश पर आश्रित है पूरी, वो बारिश पर नहीं, वहां सिंचाई भी उपलब्ध है और इसमें एक फसल ली जाती है खरीफ की, वहां एक फसल के बजाय वहां दो तो लेते ही लेते हैं, तीसरी भी ले लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए उसको गहन निर्वाह, इंटेंसिव या सघन कृषि भी कह सकते हैं आप उसको, उसका एक दूसरा नाम है सघन, गहन निर्वाह कृषि या सघन कृषि। गहन निर्वाह कृषि या सघन कृषि, दो नाम है इसका, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अच्छा, इसमें चलेंगे सामान्य निर्वाह में, एक तो स्थानांतरी हो गई, एक तो चलवासी पशुचारण। चलवासी का मतलब चलने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले, उनको कहते हैं चलवासी। पशुचारण, पशु चराना, यानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर पशु चराया जाता है, पशु पाले जाते हैं, उसे कहते हैं चलवासी पशुचारण। वो क्रिया क्या कहलाती है, चलवासी पशुचारण। तो अब ये इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये भी जनजातियां ही कर रही है। मैंने आपसे क्या कहा, ऊपर सामान्य निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो आ रही है, दोनों ही क्रियाएं, दोनों ही प्रकार की कृषि किससे, किसके द्वारा की जा रही है, जनजातियों द्वारा, स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण। तो ये जनजातियां, ये जनजातियां भी करती है गहन निर्वाह। तो ये जो जनजातियां करती है चलवासी पशुचारण, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जातियां भेड़ बकरी याक ऊंट पालती है। अब भेड़ बकरी याक है ना, अब इनको पालते हैं साथ में, इनके पूरा परिवार के साथ ही चलता है, ऐसा नहीं कि एक परिवार का एक आदमी चराने चला गया, पूरा परिवार साथ ही चलता है, परिवार भी इनके साथ ही रहता है, उनकी सारी खाने पीने की व्यवस्था साथ ही चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब क्या होता है, जैसे सर्दी का मौसम होता है तो पहाड़ों में चले जाते हैं, जैसे कश्मीर की बात करें, कश्मीर में होती है, लद्दाख में होती है, सिक्किम में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है, तो वहां क्या करते हैं कि जैसे सर्दी के मौसम में तो पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं मैदानी इलाकों में, और गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर चले जाते हैं क्योंकि ठंड अधिक होने के कारण पहाड़ों से नीचे आना होता है, वरना जानवर भी मर जाते हैं, फिर वहां क्या चारा भी नहीं रहता, बर्फ जम जाती है पहाड़ों पे, तो नीचे चारे की तलाश में नीचे आना पड़ता है। और फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो चारा ऊपर उपलब्ध हो जाता है, नीचे चारा नहीं रहता, नीचे वो चरा चुके होते हैं, तो ऊपर फिर जो चारा होता है उसको वो करने के लिए फिर वो ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं गर्मी के सीजन में। इसमें ऐसे होता है, भेड़ बकरी याक ये पाले जाते हैं। तो भेड़ बकरी याक, इनका क्या, याक एक हिमालय पे पाया जाने वाला जानवर है, पशु है ये, और इसका क्या है कि जैसे भेड़ बकरी याक का क्या करते हैं लोग, दूध है उनका, दही है, या जैसे क्या नाम, उनसे मांस है, खाल है, उनसे ऊन है, ये सब चीजें प्राप्त होती है इनको, कुछ सीमा तक ये लोग बाजार में ही बेच देते हैं आजकल। तो जैसे कश्मीर लद्दाख के लोग आसपास में छोटे मोटे दुकानदारों को बेच देते हैं, तो बाकी जैसे नहीं होता उत्पादन ज्यादा तो वो घरेलू पूर्ति तो कर ही लेते हैं अपनी, इतना तो प्रोडक्शन हो ही जाता है दूध वगैरह का। तो ये लोग इन जानवरों को पालते हैं। अच्छा, ऊंट जो शब्द आ रहा ना, ऊंट एक्चुअल में गुजरात और पहले राजस्थान में हुआ करता था, आजकल राजस्थान में चलवासी पशुचारण नहीं है, पशुपालक रहते हैं स्थायी रूप से एक ही जगह है, वैसे जानवरों को लेकर घूमते नहीं रहते, पहले हुआ करता था जैसे डांग वगैरह के इलाके में जाते थे लोग ऊंटों को लेकर, गर्मी के मौसम पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती ना तो ऊंट लेकर वहां चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है, अब आजकल थोड़ा बहुत ही गुजरात में जरूर मिलेगा आपको, तो गुजरात में है ऊंट वाला, और कभी कभार राजस्थान में भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन अब बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत होता था राजस्थान में, तो ऊंट भी है इसमें। अच्छा, भेड़ बकरी याक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब किस, ये जो चलवासी पशुचारण कृषि है ये कहाँ की जा रही है, अभी भारत में नंबर वन पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर अलग संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब क्या आगे, पहले जम्मू कश्मीर ही लिखा करते थे, अब लद्दाख भी लिखेंगे साथ में, लद्दाख अलग हो गया प्रशासनिक रूप से,
तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये मिलेंगी आपकी, क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है एग्जाम में। बताइए गुजर बकरवाल लोग, गुजर बकरवाल जनजाति कहां निवास करती है? तो अब वो जम्मू कश्मीर भी आएगा, लद्दाख भी आएगा, ए में जम्मू कश्मीर, फिर बी में लद्दाख, सी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऐसा नहीं कि साहब जम्मू कश्मीर पढ़ा हमने, जम्मू कश्मीर पढ़ा तब आप जो बुक्स लिखी हुई है उनमें उस वक्त क्या हुआ, ये अलग अलग नहीं हुए थे, अब अलग हो गए ना, तो लद्दाख भी हो गया इसमें अलग से। तो चूंकि दोनों जगह घूमती है जाती है जनजाति है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही अपन याद रखेंगे। ये मुख्य जो जनजाति है उसका नाम है गुज्जर बकरवाल लोग। डिस्कवरी चैनल ने कितनी बार इनका एपिसोड दिखाया है इनके बारे में, डिस्कवरी चैनल में आपको अगर देखा हो आपने, अभी भी आते हैं एपिसोड्स उसके, तो ये गुज्जर बकरवाल जातियों को, जनजातियों को काफी दिखाया जाता है। और एक चलेंगे अपन हिमालय पर्वत में, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति है, ये जनजाति भी ऐसे भेड़ बकरी आपको पालती है। और धौलाधर श्रेणी जो है अपनी, धौलाधर है ना हिमालय की पर्वत श्रेणी, उस पर्वत श्रेणी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, कभी ऊपर चले जाएंगे गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पे, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। गद्दी जनजाति याद रखेंगे हिमालय में इस प्रकार की कृषि करती है। अच्छा एक सिक्किम में चलेंगे उत्तर पूर्वोत्तर में, तो भूटिया जनजाति रहती है, वाइचिंग भूटिया जो फुटबॉल खिलाड़ी रहे भारत में वो भूटिया, तो भूटिया जनजाति है। भूटिया वैसे मुख्य रूप से भूटान में रहते हैं, भूटान के लोगों को भूटिया कहते हैं। तो भूटान से अपने नजदीक है वहां सिक्किम, तो सिक्किम में भी ये लोग रहते हैं, अल्पसंख्यक है वैसे सिक्किम में ये, तो ये भूटिया जनजाति भी इस प्रकार की कृषि करती है सिक्किम में। तो चलवासी पशुचारण हो गया आपके, और चलवासी पशुचारण में आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख गुजर बकरवाल जनजाति, और हिमालय में गद्दी जनजाति, और सिक्किम में भूटिया जनजाति, ये याद रखेंगे आप इसको। अच्छा आगे चले, मैंने आपको यहां छोड़ा था गहन निर्वा में, तो गहन निर्वा में क्या होता है, खेत छोटा, ज्यादा से ज्यादा श्रम क्योंकि परिवार बड़ा होता है, जमीन से ज्यादा कम से कम जमीन से ज्यादा उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसको वापस दो भागों में बांटते हैं, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान, ऐसा एरिया ऐसा क्षेत्र जहां चावल की फसल बोई जाती है उन खेतों में, तो उसे चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। वो कहां पर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय मैदान जो आपको बताया मैंने, तटीय मैदान है ना, यहां पर की जाती है चावल मुख्य फसल होती है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जैसे बंगाल है, बिहार है, पूर्वी यूपी है, एमपी का पूर्वी भाग है, तटीय मैदान है, यहाँ इनका मुख्य खाद्यान्न चावल है, इसलिए जो वो खाते हैं वही बोएंगे भाई, उनके पास है ही 2-4 बीघा जमीन है बेचारों के पास। अब क्या है उनको क्या खाना होता है, चावल खाना होता है तो चावल बोते हैं। अब जब गेहूं खाना होता है तो गेहूं बोया जाता है, तो वहां पर गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहलाती है वो। और वो कहां होता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश। भाई जैसे राजस्थान का नाम आया इसमें, पंजाब हरियाणा का, तो यहां मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, गेहूं है, तो गेहूं बोएंगे यहां, सीधा सा अर्थ है इसका। देखिए यहां गेहूं प्रधान इसलिए है, यहां गेहूं की फसल इसलिए की जाती है कि यहां मुख्य खाद्यान्न गेहूं है, लोग खाते हैं गेहूं है, तो वही फसल बोएंगे उस जमीन में जो कुछ भी उनके पास है, जो फसल वो खाते हैं, तो इसलिए गेहूं प्रधान मिलेगी यहां चावल प्रधान कृषि। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं चावल प्रधान कहां है, तो चावल प्रधान कोई वेस्ट बंगाल, बिहार और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। जीवन निर्वाह ये कृषि के प्रकार के अंतर्गत हम जीवन निर्वाह कृषि पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इसे व्यावसायिक व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या है कि कृषि उत्पादों को इसलिए उत्पादित किया जाता है कि उनको बाजार में बेचा जाना है, यानी कृषि उत्पाद कैसे, जैसे फसल है जो भी फसल बोई वो, और जैसे पशु उत्पाद है दूध, मांस, ऊन, इनको बाजार में बेचा जाता है, बेचने के पर्पस से ही खेती की जाती है यहां, इसलिए इसे कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। अब इस वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, एक तो बड़े खेत होते हैं यहाँ,
ये जीवन निर्वाह कृषि की तरह नहीं छोटे छोटे खेत, एक ही 10 जने एक ही परिवार में और एक ही उस खेत पे लगे रहते हैं, छोटे 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा खेत पे। इधर देखा आपने उसमें स्थानांतरित कृषि में तो उसमें भी छोटा सा ही खेत होता है। खेत छोटा इसलिए होता है कि स्थानांतरित में तो उसे बस उत्पादन उतना ही करना है कि वो घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, परिवार की जो खाद्यान्न की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, उन्हें कोई फसल या कोई उत्पाद बाहर बेचना नहीं है बाजार में, ये पर्पज होता है। अब यहाँ पर्पज एकदम अलग है, यहाँ पर्पज है उत्पाद को बाहर बेचना। तो बेचना तो फिर क्या होगा, बड़े स्तर पर खेती की जाती है, उसके अंतर्गत बड़े खेत होते हैं। अब जैसे आप यूएसए में जाए, अमेरिका में, वहां एक खेत ही यहां से 10 किलोमीटर लंबा 10 किलोमीटर चौड़ा, हेलीकॉप्टरों से तो की जाती है, वहां दवा छिड़की जाती है, बीज बोया जाता है, और जैसे सारा काम मशीनों से ही होता है, नीचे भी सारा काम मशीनों से, इंसान का उपयोग बस वहीं तक ही है कि वह मशीन को चलाने के काम में आता है। तो अब इसमें क्या होता है, बड़े खेत होते हैं और पूंजी अधिक, पैसा बहुत लगता है भाई। जब मशीनों से खेत, जहां मशीनें उपयोग में ज्यादा आएंगी वहां निश्चित रूप से पैसा भी ज्यादा खर्च होगा, पूंजी का मतलब पैसे भी अधिक ही खर्च होंगे, इसलिए यहां पूंजी ज्यादा खर्च होती है इस खेती में। अब यहां इस खेती को वापस दो भागों में बांटा जाता है, जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए कृषि की जाती है उस कृषि का उप विभाजन किया जाता है, दो भागों में बांट रहे हैं। एक अगर फसल बो रहा है किसान तो उसे वाणिज्यिक फसल उत्पादन कृषि कहेंगे, और यदि वो पशु पाल रहा है तो उसे कहेंगे वाणिज्यिक पशु चारण कृषि, या पशुपालन कृषि कहें या पशु चारण कृषि कहें, एक ही बात है। तो यहां मान लीजिए अगर फसल उत्पादन कर रहा है तो इस वाणिज्यिक फसल उत्पादन में पहली बात तो ये जाने आप कि इसमें फसलें कौन कौन सी बोई जाती है, गन्ना, कपास, तिलन, चाय, कॉफी, रबड़, केला, काली मिर्च, नारियल, इलायची, चावल, गेहूं, ये मैंने वही फसलें लिखी है यहां पर जो भारत में उगाई जाती है ना। यहां वैसे वाणिज्यिक फसल उत्पादन इंडिया में लार्ज स्केल पर नहीं होता है, छोटे स्तर पर होता है, अपने यहां देश के कुछ भागों में वाणिज्यिक फसल उत्पादन होता है। तो ये कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका उत्पादन ही केवल वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, जानते हैं, जैसे गन्ना है। अब गन्ना किसान क्यों बोएगा, चाहे 2 बीघा में भी गन्ना बो रहा है तो भी बेचने के पर्पज से, 100 बीघा में बो रहा है तो भी बेचा जाना है। इसी तरह कपास भी किसान इसलिए बोता है कि उसको पूरा का पूरा ही बेचा जाना है, घर में थोड़े रखते हैं कपास को। जैसे आप गेहूं बोया, गेहूं तो फिर भी घर में रख देते हैं कि चलो अपने साल भर खाने के काम आएंगे। जैसे राजस्थान की बात करें तो गेहूं प्रमुख फसल है, प्रमुख खाद्य फसल है, तो गेहूं को रख लेंगे। अब बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की, वहां चावल मुख्य खाद्यान्न है, तो वहां किसान क्या करता है, चावल जितना पैदा होता है उसका अधिकांश भाग, जो छोटे किसान होते हैं वो लगभग पूरा या अधिकांश भाग अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये फसल है कपास, अब कपास ऐसी है कि वहां बंगाल में भी अगर कोई कपास बो रहा है या राजस्थान में भी कोई कपास बो रहा है तो कपास पूरी की, चाहे 1 बीघा में बो रहा है तो पूरी की पूरी फसल बेची जाती है। तो ये फसलें ऐसी हैं जिनका उत्पादन ही वाणिज्यिक पर्पज से किया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तिलन में आ गए आपके सभी तिलन, ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे कौन सी, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, अलसी, तारामीरा, सरसों। क्यों बोई जाती है सरसों, बोते हैं भी जैसे गांव में, तो क्यों बोई जाती है सरसों, सरसों का अधिकांश भाग बेचा जाता है, यानी बेचने के पर्पज से बोई जाती है, सोयाबीन भी बेचने के पर्पज से बोई जाएगी, तो इसमें पर्पज यही होता है। आप देखते हैं, अच्छा चाय बोते हैं भी, जैसे असम में आप चले जाएंगे चाय के बागान है वहां, तो चाय क्यों बोई जा रही है, घर में खाने के लिए थोड़ी चाय बोई जा रही है, घर में पीने के लिए कि भाई अपने चाय पीने की व्यवस्था हो जाएगी घर में, उसे पूरा का पूरा ही बेचा जाता है। कॉफी में भी ऐसा ही होता है, असम तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। आप कर्नाटक चले जाए, जो भी कॉफी का उत्पादन कर रहा है उसके खेत में, आप उससे पूछेंगे चलो क्यों वही, क्या घर में काम में लेने के लिए या बेचने के लिए, तो क्या कहेगा कि पूरा का पूरा ही बेचा जाना, हमारे घर में तो कोई कॉफी पीता ही नहीं है, समझे। रबड़,
केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य आपसे पूछे केरल, आप केरल में जाए आप रबड़ के पेड़ उसके मालिक से पूछे जाके चलो रबड़ क्यों बोया आपके बाजार में बेचना सा वास्तव में बाजार में बेचा जाना रबड़ घर के लिए थोड़ी रबड़ उगा रहा है। केला, केले में भी ऐसा ही होता है कि बेचा ही जाना है। काली मिर्च, नारियल, इलायची, इनमें सब में क्या पर्पज होता है, पूरी की पूरी फसल बेची जानी है। काली मिर्च अब घर में कितने काम ले लेगा वो काली मिर्च, कितने आप चाय में डालते हैं या दूध में डालते हैं कितनी आप डालोगे। इलायची भी ऐसे ही है, घरेलू उपयोग के लिए कितने काम में आती है इलायची, तो ये सब बेचे जाने के लिए फसलें बोई जाती है। नारियल है, अच्छा फिर क्या चावल और गेहूं की बात करें अपन, तो चावल और गेहूं भी क्या है कि भारत में जहां बड़े खेत होते हैं, देखो ये जो फसलें हैं कपास है जैसे गन्ना कपास, इसको समझना बात को, कपास है गन्ना है ये तो चाहे 2 बीघा में भी बोई गई है, चाहे छोटे किसान द्वारा बोई गई है बड़े किसान द्वारा, पूरी की पूरी फसल बेची जाएगी, 2 बीघा में बोई गई तो बेची जाएगी। लेकिन चावल और गेहूं में क्या है, 2 बीघा में जो फसल उत्पादित होती है तो किसान का परिवार अपने खाद खाने के लिए रख लेता उस फसल को, फिर 2 बीघा में कितना प्रोडक्शन होगा, 10 बोरी हुई साहब 2 बीघा में गेहूं की, अब 10 बोरी तो उसके 5 आदमियों का परिवार है किसान का, तो वो अपने घर में रख लेगा गेहूं को, यानी 2 बीघा में अगर गेहूं बोया जा रहा है तो वो घर में रखा जाता है राजस्थान में अगर, क्योंकि यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है। लेकिन यही अगर 2 बीघा में कपास बो रहे हैं तो उसको बेच देंगे, तो फिर यहाँ वाणिज्य फसल उत्पादन में हमने गेहूं का नाम क्यों लिखा, गेहूं का इसलिए लिखा कि भारत में बड़े फार्मर्स हैं, बड़े किसान जिनके पास 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा जमीन है, वो क्या करते हैं, वो जैसे गेहूं की फसल बो रहे हैं तो 300 बीघा जमीन में जो फसल हो रही है गेहूं की, 200 बीघा में जो हो रही है, जैसे 200 बीघा जमीन में जो गेहूं की फसल पैदा हो रही है वो क्या पूरी की पूरी 5 आदमियों के परिवार के काम में आएगी क्या, घर में कुछ बोरी 10 बोरी रख लेगा बाकी तो सारी बेचेगा वो बाजार में। इसलिए गेहूं का भी फिर वो जो बुआई हुई ना गेहूं की जो खेती हुई उसे क्या कहेंगे, वाणिज्यिक फसल उत्पादन गेहूं का, वहां बड़े स्तर पर बड़े खेत में हो रहा है। कपास में तो आप 2 बीघा में भी कह दोगे कहां वाणिज्यिक फसल उत्पादन है तो 2 बीघा वाला भी बेचेगा, लेकिन गेहूं में 2 बीघा वाला नहीं बेचेगा, गेहूं में तभी बिकेगी फसल जब अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी काफी बड़ा भाग एक्सेस रह जाता है, अतिरिक्त भाग अपने पास बचा रह जाता है गेहूं, तो फिर उसको बाजार में बेच देते हैं। तो ये अपने यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, राजस्थान में भी आपको मिल जाएगी। वैसे जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास, तो वो भी जैसे पूरी की पूरी 100 बीघा में बो दिया गेहूं तो वो भी फिर बेचेगा, तो उसको भी वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। एक चावल में भी ऐसा ही होता है, चावल बोया जैसे बूंदी में चावल बोया जाता है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में बोया जाता है या कोटा में बोया जाता है, अब बूंदी में बो रहे हैं तो बूंदी के किसानों को मान लीजिए किसी के 2 बीघा में भी चावल बो रहा है तो घर में कितना रखेगा, मान लीजिए 25 किलो रख लेगा घर में, साल भर में वो कितना खाएगा एक परिवार, क्योंकि चावल राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है, यहाँ की गेहूं है। तो क्या होगा, 2 बीघा में भी चावल बोया जा रहा है अगर राजस्थान में तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहेंगे, क्योंकि वो अधिकांश भाग बेचा ही जाएगा, ज्यादा ना बूंदी का चावल ईरान में जा रहा है वजह से, तो इससे भी चावल की खेती को अगर राजस्थान में तो 2 बीघा में भी चावल बोया जा रहा है तो उसे वाणिज्यिक फसल उत्पादन कहेंगे। लेकिन यही चावल अगर 2 बीघा बंगाल में बोया जा रहा है तो बंगाल में मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, इसलिए 2 बीघा के चावल को तो किसान अपने घर में ही रख लेता है, वहां वाणिज्यिक फसल उत्पादन चावल की कब कहलाएगी, जब 100 बीघा 50 बीघा में कोई चावल बो रहा है तो 50 बीघा वाला फिर थोड़ा बहुत ही अपने पास रखता है, बाकी भाग वो बेच देता क्योंकि उसके पास मात्रा बहुत अधिक होती है चावल की। तो आप समझ गए ये वाणिज्यिक फसल उत्पादन, यानी इसकी जो एक बात है मेन बात इसमें है कि जब फसलों को बाजार में बेचने के लिए उत्पादित किया जाता है या उपज का अधिकांश भाग बाजार में बेच दिया जाता है इसी कृषि को वाणिज्यिक फसल उत्पादन कहेंगे। एक है वाणिज्यिक पशुचारण, और वाणिज्यिक पशुचारण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि देखो एक तो पशु इसलिए पालता कोई किसान की घर में बच्चों के लिए दूध वगैरह चाय की व्यवस्था हो जाए, घी की व्यवस्था हो जाए, छाछ मिल जाए, दही मिल जाए, ये पर्पज होता है कि घर के काम में आ जाए। एक होता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने 50 भैंसे रख रखी अपने पास, डेयरी फार्म चला रहा है कोई, 100 भैंस है 50 भैंस है, तो जो जिसके पास 100 भैंस है अब वो जितना दूध उत्पादित कर रहा है उन 100 भैंसों से
तो उनका थोड़ा सा हिस्सा ही अपने घरेलू काम के लिए रखेगा, बाकी अधिकांश भाग बाजार में बेच देगा। तो उससे कहेंगे वाणिज्यिक पशु चारण, 100 भैंस वाले को, एक भैंस दो भैंस रख रहा है तो वो तो कितना बेचेगा, कभी कभार बच जाता तो बेच देता है, नहीं तो अपने पास ही रखता है, वो वाणिज्यिक नहीं कहलाएगा। वाणिज्यिक तभी कहेंगे जब उत्पाद जो दूध पैदा हो रहा है वो पूरा का पूरा ही बाजार में बेचा जा रहा है, तो उसे वाणिज्यिक पशु चारण कहते हैं। कहीं 10 भैंस वाले ही बेचते हैं, पूरा का पूरा बाजार में बेच देते हैं, तो वाणिज्यिक ही कहलाएगा कि भाई हम तो भैंस इसलिए रख रहे हैं कि हमें इसके दूध को बेचना है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो जो बेचने के लिए रख रहे हैं वो तो कहलाएंगे, उनका जो कार्य है पशु पालने का वो कहलाएगा वाणिज्यिक पशु पालन या वाणिज्यिक पशु चारण। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि नहीं, हमारे तो घर वालों के लिए दूध वगैरह की इसकी व्यवस्था करने के लिए भैंस पाल रहे हैं, तो फिर उसे कहेंगे, उसे वाणिज्यिक पशु चारण नहीं कहेंगे, जीवन निर्वाह पशु चारण कहलाएगा फिर। तो एक दोनों में अंतर हो गया। और वैसे वाणिज्यिक जो पशु चारण है दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में आप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, एक किसान के पास 5,000 भेड़, 10,000 भेड़ हर किसी के पास मिल जाएगी, 1,000 भेड़ तो हर किसी के पास मिल जाएगी। वहां पूरा का पूरा उत्पादन ही, चाहे ऊन है उसकी, दूध है उसका, मांस है, खाल है, सारा का सारा ही बेचा जाता है बाजार में। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का तो माल दूसरे देशों में भी जाता है। तो उसे अगर वाणिज्यिक पशु चारण का वैश्विक स्तर पर सबसे बढ़िया उदाहरण आप देखना चाहें तो आपको न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, या फिर अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका का एक देश है बड़ा सा देश अर्जेंटीना, वहां भी व्यापक स्तर पर पशुपालन होता है। कॉमन वहां की मुख्य, जैसे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था मुख्य भाग पशुपालन का है, जैसे अर्जेंटीना में बड़ा योगदान है, यूएस में भी, अमेरिका में भी काफी ये आर्थिक क्रिया की जाती है पशुपालन की। तो ये दोनों में अंतर हो गया आपके। अब कृषि के कुछ प्रकार और है वो देखेंगे अपन। एक बागाती कृषि क्या होती है इसको समझिए। कुछ फसलें ऐसी होती है कि जिस जमीन पे वो उगाई जा रही है उनको बागान कहते हैं। जैसे गेहूं उगाया जा रहा है अपने राजस्थान में, तो उसको क्या कहेंगे, उस जमीन को खेत कहते हैं अपने यहां, है ना, अपने खेत कहते हैं। कुछ फसलें ऐसी जैसे चाय है, अब चाय जिस जगह उगाई जाती है ना, जिस जमीन पर, उस जमीन को कहेंगे बागान। क्या बोला जाता है कि इसके पास चाय के 3 बागान है, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि इसके पास गेहूं के 3 बागान है या मक्का के 2 बागान है। चाय के लिए कहेंगे, चाय के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इसके पास चाय के 4 खेत है, 5 खेत है, क्या कहेंगे, चाय के 2 बागान है, 10 बागान है। तो ये कुछ फसलें ऐसी हैं जो उनकी जिस जगह वो खेती की जाती है उनकी, उन खेतों को खेत न कहकर बागान कहते हैं। जैसे कॉफी भी ऐसे ही है, रबड़ भी ऐसे ही है, केला भी ऐसे ही है, काली मिर्च, इलायची, ये सभी ऐसी है। ये जो फसलें आ रही ना, ये बागानी कृषि या बागाती भी कह सकते हैं, बागानी भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम है। तो यानी इस प्रकार चाय की, कॉफी की, रबड़ की, केला की, काली मिर्च की, इलायची की खेती बागानों में की जाती है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को बागाती कृषि भी कहते हैं, इसका अलग से नाम है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, एक तो बड़े बड़े उद्यान होते हैं, बाग कहो या उद्यान, अच्छा उनमें क्या होता है, पैसा भी बहुत खर्च करना होता है, एकदम सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था होती है, चारों ओर से पेक रहेगा बागान, और एकदम जैसे पूंजी वगैरह भी ज्यादा लगानी होती है। चाय जैसे है तो भी चाय की खेती करते हैं तो उसमें पैसा काफी खर्च करना पड़ता है किसान को, जो चाय बागान, ज्यादातर चाय बागान के मालिक बड़ी कंपनियां होती है, ये छोटे मोटे किसान नहीं होते भाई, अपने यहाँ गेहूं और किसी ने बोली या सरसों बोली वैसे नहीं, वहां बड़े बड़ी कंपनियां होती है वही ये धंधा करती है, ये कृषि, इस प्रकार की कृषि बड़ी कंपनी जैसे टाटा, टाटा कंपनी है, टाटा है, तो वो आप असम में जाएंगे, आप नीचे केरल में जाएंगे, तमिलनाडु में, वहां भी चाय की खेती होती है, तो वहां पे ये टाटा कंपनी के बागान मिलेंगे, बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, टाटा टी लिमिटेड द्वारा आपका स्वागत है, और फिर अंदर बड़ा सा फार्म बना, वो बागान है उसका पहाड़ पर, तो ये पहाड़ों पे की जाती है बागान, बागानी कृषि कहते हैं इसको। तो पूंजी इसमें अधिक लगती है, बाउंड्री वाल वगैरह एकदम फेंक रहता है पूरा चारों ओर से, और तो पूंजी ज्यादा लगती है, और मशीनों का उपयोग भी कई जगह होता है इसमें, क्योंकि जैसे अच्छा श्रम जो होती है, श्रम का उपयोग भी बहुत होता है इसमें। जैसे चाय की बात करें, चाय क्या है, चाय की बुआई कैसे करते हैं, गेहूं की तरह बीज नहीं डाला जाता उसमें, खेत में जमीन में बीज नहीं डालेंगे, उसमें क्या करते हैं, रोपड़ विधि काम में ली जाती है, यानी चाय का पौधा नर्सरी से लेकर फिर वहां रोपा जाता है। जैसे राजस्थान में लाल मिर्च की खेती की जाती है, वैसे चाय की बुआई की जाती है।
तो वो जो पौधा रोपण का कार्य है वो महिलाएं करती है, लेबर द्वारा किया जाता है, वाम मशीन का उपयोग नहीं है, इसलिए श्रम की बहुत अधिक जरूरत है। फिर आगे चाय की पत्तियां तोड़ने का काम भी महिलाएं ही करेगी, पीछे टोकरी लगाते हैं, टोकरी वाली महिलाएं दिख जाती है ना मेरे को एक बार फोटो में, तो वो ये चाय वाली लेबर है, ये चाय वाली श्रमिक है। तो ये काम कौन करती है, महिला श्रमिक करती हैं, ज्यादातर महिलाएं होती है इसमें, पत्तियां तोड़ना, बुआई करना, ये काम। तो इसलिए इसमें श्रम का उपयोग भी बहुत होता है, ऐसे जैसे केले वगैरह है, कॉफी है, रबड़ में दूध वूध निकालने का काम, ये सारा मशीनों से नहीं होता, फिर ये इंसान ही करता है इसको। तो इसमें पूंजी भी लगती है, श्रम भी लगता है। अच्छा, एक कृषि का प्रकार है मिश्रित कृषि। देखो मिश्रित कृषि किसे कहेंगे, जब फसल उत्पादन के साथ साथ आदमी पशु भी पाल रहा है, या चारा भी उगा रहा है, यानी वानिकी भी कर रहा है, या मत्स्य पालन मछली भी पाल रहा है, मछलियां पकड़ने का काम भी कर रहा है, तो उससे कहेंगे, उस कार्य को, उस आर्थिक क्रिया को कहेंगे मिश्रित कृषि, है ना। यानी फसल भी पैदा हो रही, हमने आपको फसल के इसके कृषि के तीन घटक बताए थे, चार घटक बताए थे, तीन चार, कौन सा, फसल उत्पादन, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन। अब ये चार में से दो एक साथ किए जा रहे हैं ना, दो एक साथ किए जाते हो तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। वो मिश्रण हो गया ना, दो दो अलग प्रकार की क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का, इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी फसल भी पैदा कर रहा है अपने खेत में और पशु भी पाल लेता है। अपने राजस्थान में भी काफी आपको ये देखने को मिल जाएगा इस प्रकार की आर्थिक क्रिया, कि किसान फसल तो उगा ही रहा है खेत में, दो तीन अपने जानवर भी रखता है, भैंस है, गाय ये रखता है, वो बकरियां रखता है, तो वहां क्या कर फसल से चारा भी उनको उपलब्ध हो जाता है। क्या कई बार क्या होता है, पशुपालन के लिए के साथ साथ फसल भी उत्पादित कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, चारा भी उगा लेते हैं, या कई बार केवल पशुपालन या चारा ही होता है। तो अब पशुपालन के साथ चारा उगाने का मतलब समझते हैं ना, चारा फसल जैसे कासनी है, रजका है, चरी ज्वार है। ज्वार दो प्रकार की होती है, एक तो अनाज ज्वार होती है, चरी ज्वार होती है, चारा ज्वार होता है। तो वो जो चारा ज्वार है या चरी ज्वार है, रजका है, कासनी है, उसको उगाना वानिकी कहलाता है। तो वानिकी भी साथ में हो रही है, यानी चारा फसलें भी उगा रहे हैं, पशु भी पाल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फसल उत्पादन प्लस चारा, पशु नहीं पाल रहा वो चारा पैदा कर रहा है। अब चारा इसलिए पैदा कर रहा है कि भाई बाजार में बेच देंगे दूसरे पशुपालकों को, तो भी ये मिक्स एग्रीकल्चर कहलाएगी। और वो यदि फसल पैदा कर रहा है, पशु पाल रहा है, चारा नहीं उगा रहा है, तो भी वो मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहलाएगी। भाई पशुओं के लिए चारा उसको फसलों से मिल जाता है, सूखा चारा तो मिल ही जाता है। अच्छा, मत्स्य पालन कर रहा है जैसे फसल के साथ साथ। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत में तटीय मैदानी जो भाग है वहां जैसे खेती की जाती है, पश्चिमी तटीय मैदान इधर अरब सागर के सारे सारे, और ऊपर उधर फिर पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की घाटी के सारे सारे, तो वहां जो कृषि की जाती है उसमें किस प्रकार की क्रियाएं मिश्रित होती है। एक तो फसल उत्पादन भी होता है, नारियल भी बो रहा है किसान अपने खेत में, और उधर मत्स्य पालन भी कर रहा है कि चलो नारियल का काम तो महिलाएं कर लेगी घर में, अपन चल के समुद्र है, सामने समुद्र है, मछली पकड़ के ले आते हैं। तो ये मिक्स क्रियाएं चलती है, इसलिए इसको मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, समझ गए, मिश्रित कृषि, समझ गए ना। अब एक है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल का मतलब होता है दो फसलों को एक ही खेत में दो फसलों को एक साथ बोना, एक ही टाइम दो फसलें उगाई जाती है, एक ही समय पर दो फसलें उगाई जाती है। जैसे मक्का के साथ उड़द बो दिया, यानी एक ही खेत में उड़द के पौधे भी लगे हुए हैं, मक्का के पौधे भी लगे हुए हैं, या तिल के साथ मूंग बो दिया, बो देते हैं ना, या मूंग के साथ मक्का बो दी, इस तरह की खेती अपने को यहां दृष्टिगोचर होती है। आप गाँव में जाएंगे, राजस्थान में भी काफी इस तरह का ट्रेंड है खेती करने का, पुराने समय से चला रहा है ये। अब इसका देखो क्या होता है, मिश्रित फसल जो है ना, मिश्रित फसल इसके दो प्रकार है, इसको सॉरी मिश्रित फसल एक बार आप यहां समझ लें, मिश्रित फसल क्या होती है। जैसे ये खेत है कोई,
अब इस खेत में एक पौधा तो ये है और एक पौधा ये है, ये उड़द का पौधा है, ये मक्का का पौधा है, ये फिर वापस उड़द का पौधा है, ये फिर मक्का का पौधा है, ऐसे ही है ना। ये जो लंबे लंबे पौधे हैं ये मक्का के हैं, ये छोटे वाले हैं ये उड़द के हैं, तो दोनों ही एक ही खेत में बोई जा रही, एक ही साथ बोई जाती है। आप देख रहे हैं ना, मक्का और उड़द दोनों ही खरीफ की फसलें हैं, ऐसे तिल और मूंग भी खरीफ की फसलें ही हैं। अच्छा उधर जाएं उसमें तो चना और तारामीरा रबी में, चना और सरसों एक साथ बोई जाती है, दोनों ही रबी की फसलें हैं, तो वहां इस प्रकार फसलें बोई जाती है, इसे कहते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित फसल है ना। अच्छा इसका पर्पज क्या होगा, मिश्रित फसल का पर्पज ये होता है कि दो फसलें एक साथ बोने से क्या होगा, जैसे मक्का है, मक्का को नाइट्रोजन की जरूरत अधिक होती है ना, भूमि से मृदा से मिट्टी से नाइट्रोजन का शोषण ज्यादा करता है वो, ये मक्का का पौधा। अब जैसे पूरे खेत में मक्का पौधे हैं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी वहां, ठीक है ना, क्या होगा इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर, मिट्टी पर, कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व नाइट्रोजन वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसका उपभोग करने वाले पौधों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। एक तो एक खेत में 1000 मक्का के पौधे हैं और एक मान लो 500 ही है, तो 500 की स्थिति में नाइट्रोजन का जो उपभोग हो रहा है जमीन से, नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस ही होते हैं ना, फिर रासायनिक उर्वरकों से वो उनको उनकी पूर्ति करते हैं, तो नाइट्रोजन का क्या करेंगे कि जैसे एक तो 1000 पौधे हैं किसी खेत में मक्का के और एक 500 है, तो 500 पौधे नाइट्रोजन का आधा ही उपभोग करेंगे, वो कम मात्रा में नाइट्रोजन की क्षति करेंगे, उसको खर्च करेंगे। लेकिन अगर 1000 पौधे हैं तो उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होगी, ज्यादा पौधे हैं तो नाइट्रोजन भी ज्यादा उससे खर्च होगी जमीन से, जब होगी ना तो ऐसा होगा कि एक समय ऐसा आएगा फिर नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी हो जाएगी भूमि में, जब उसमें जमीन में उसमें मिट्टी में, और जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो अंततः इसका कुप्रभाव क्या होता है कि फसल की जो उसकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन है उसका, फर्टिलिटी पावर है, वो क्या होगा एकदम से कम हो जाएगा। फसल जैसे इस साल अगर आप रेगुलरली फसल बोई जाए मक्का की, तो क्या होगा इस साल मान लो 1 बीघा में आपके 5 बोरी हुई मक्का की, अगले साल 4 ही होगी, फिर अगले साल 3 ही होगी, फिर अगले साल 2 ही होगी, क्योंकि वो नाइट्रोजन की मात्रा कम होती जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं किसान, जैसे ये कर दिया ना मक्का, मक्का के साथ फिर उड़द बोएगा, उड़द क्या करते हैं चमला, उड़द चमले क्यों बोए जाते हैं, आप चमले की फलियां देखने को मिलती है, जब आप मक्का देखते हैं तो मक्का का खेत देखते हैं उसमें चमला भी मिलता है, चारों ओर लगा देंगे कुछ नहीं तो, अंदर नहीं तो चारों ओर मेड़ पे लगा दिया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि चमला नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, सप्लाई करता है मिट्टी में। मक्का का पौधा तो नाइट्रोजन की मात्रा घटा रहा है मिट्टी में, और उड़द का पौधा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहा है। ये जितने भी ये दलहन पौधे हैं ये क्या करते हैं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, इसलिए मिक्स्ड कृषि हमने वहां मिक्स्ड क्रॉप देखने को मिलती है, मिश्रित फसल, उड़द भी साथ मिलेगा मक्का भी मिलेगी, चावला मिलेगा उसके साथ मक्का मिलेगी। कारण क्या है कि भाई जो मक्का का पौधा खर्च कर रहा है नाइट्रोजन को, उस नाइट्रोजन की पूर्ति ये उड़द का पौधा कर देगा, तो अपना खेत है ना, उस खेत की उपजाऊपन है उस खेत का, या उसकी उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी, वो कम नहीं होगी, यानी समझ गए ना। अब इसमें चलेंगे ये मिश्रित फसल हो गई, मिश्रित फसल के बाद चलेंगे आगे आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि क्या होती है, देखो आर्द्र कृषि का मतलब होता है वर्षा जहां 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, भारत की बात कर रहे हैं अपन ना, ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा टॉपिक है जो सिलेबस में, चूंकि भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, इसलिए अपन जो कुछ भी पढ़ेंगे सब भारत के लिए पढ़ेंगे, बीच बीच में हालांकि आपको एग्जांपल्स दे देते हैं विश्व के, लेकिन भारत की बात करते हैं अपन यहाँ कुल मिलाकर। तो अब इसमें क्या हो, आर्द्र कृषि यानी भारत में आर्द्र कृषि कहाँ की जाती है, दुनिया में तो कई जगह की जाती है, भारत में जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस एरिए में जो कृषि की जाती है उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। आर्द्र का मतलब होता है पानी बहुत अधिक होना है, आर्द्रता शुष्कता, शुष्कता आर्द्रता का उल्टा शब्द है, यानी
जब पानी नहीं होता, बारिश नहीं होती ना, उस स्थिति को कहते हैं शुष्कता, और जहां बारिश अधिक होती है उसे कहते हैं आर्द्रता, और एक शब्द और उष्णता, इसको भी समझ लो, जहां गर्मी अधिक होती है, तापमान बहुत अधिक होता है, उस स्थिति को कहते हैं उष्णता। समझ गए, उष्णता, आर्द्रता और शुष्कता, ये तीन शब्द है। तो अब इसमें क्या होता है, आर्द्र कृषि के अंतर्गत उसी एरिया में जहां 200 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा साल भर में, पूरे साल की 365 दिन की मिला के, तो 100 सेंटीमीटर कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा 200, तो ये जो वर्षा होती है इस एरिया में जो कृषि की जाती है उस कृषि को कहते हैं आर्द्र कृषि। और ये कहां की जाती है मुख्य रूप से, अच्छा इसमें क्या होता है, आर्द्र कृषि की एक प्रमुख विशेषता होती है सिंचाई विचाई करने की जरूरत नहीं होती, पूरा फसलों को जो भी पानी की जरूरत होती है वो वर्षा से हो जाती है पूर्ति, ये मेन फैक्ट है इसका। यानी हम सिंचाई नहीं करेंगे, आर्द्र कृषि में क्या करते हैं, ऊपर का जो पानी आता है वो ही सफिशियंट होता है फसल के लिए। तो ये तटीय मैदान ऐसा एरिया पाया जाता है भारत का जहां पे आर्द्र कृषि देखने को मिलेगी आपको, तटीय मैदान दोनों तरफ, बागाती कृषि भी आपको तटीय मैदानों में मिलेगी ज्यादा, और जैसे ये भारत का नक्शा है ना। अब अपन चलेंगे, ये गुजरात है, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ऐसे ये पूर्वी घाट पर्वतमाला पूरी चल रही है ना। अब इसमें क्या होता है, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ये अरब सागर है, दोनों के बीच में एक सकड़ी प्लेन जमीन है, इस जमीन को कहते हैं तटीय मैदान, तट मैदान, और तटीय मैदान इसलिए कहते हैं कि तट के नजदीक है, ये तो है पश्चिमी तटीय मैदान, क्योंकि भारत के पश्चिम में है ना, तो इसको पश्चिमी तटीय मैदान, अरब सागर है ना, अरब सागर के नजदीक है, उसके तट पर है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान या अरब सागरी तटीय मैदान, और इससे कहेंगे यहां बंगाल की खाड़ी है और इधर पूर्वी घाट पर्वतमाला है, दोनों के बीच में प्लेन जमीन है, मैदानी भाग है, उस मैदानी भाग को कहते हैं तटीय मैदान, क्योंकि भारत के पूर्वी भाग में, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, यह बंगाल की खाड़ी तटीय मैदान। तो यहां पे क्या होता है, बारिश बहुत अधिक होती है, 100 से 200, इधर से मानसून जाएगा अरब सागर से, अभी जैसे सीजन अभी जून आने वाला है ना, जून में क्या होगा, मानसून यहां से उठ के इधर जाएगा, इधर जाएगा तो इन पहाड़ों से टकराएगा, टकरा के फिर ऊंचा उठना होता है, तो जो ही ऊंचा उठता है तो संगलन की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी वो जो वाष्प होती है जलवाष्प, वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस एरिया में भारी मात्रा में वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर का एरिया यही है इंडिया में। इधर ऐसे यहां है, यहां भी जब बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर आता है मानसूनी सीजन में, तो ये टकरा कर यहां बारिश करता है। इसके अलावा सर्दियों में क्या होता है कि इधर उत्तरी भारत से लौटता हुआ मानसून आता है, जो यहां बंगाल की खाड़ी से पानी ले लेगा और लेकर यहां बारिश कर देगा इस पर्वतमाला से टकराकर। तो ये मद्रास वगैरह चेन्नई में अभी सर्दी में बारिश होती है ना, बाढ़ें आई है मद्रास में चेन्नई में, जिसे सर्दी में वो इसलिए आती, कोई लौटता हुआ मानसून था वो वापस जा रहा था, तो लौटते हुए क्या है कि उसने रास्ते में बंगाल की खाड़ी मिली तो वहां से पानी उठा लिया, उठाकर यहां पटक दिया उस पानी को। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है यहां भी अच्छी खासी वर्षा होती है, यहां भी होती है, तो यहां ये इस प्रकार की कृषि की जाती है आर्द्र कृषि, यहां सिंचाई वगैरह की जरूरत नहीं है, ज्यादातर नहीं है, तो वो पूर्ति हो जाती है बारिश से। तो ये आर्द्र कृषि कहलाएगी, और कहां की जाती है, मुख्य रूप से तटीय मैदान, वैसे जो गंगा नदी और ये मानो हिमालय पर्वत का जो निचला भाग है, नीचे वाला, जहां हिमालय पर्वतमाला और भारत का उत्तरी मैदान मिलते हैं, वो मिलन स्थल है, वहां भी बारिश अच्छी होती है, जो हिमालय पर्वत से टकराएंगे पहाड़, यहां पड़ेगा वो, जो हिमालय पर्वत से टकराएंगे तो वहां भी बारिश बहुत अधिक होती है, तो बारिश अधिक होने से वहां भी क्या होता है, ये इस प्रकार की जो वहां जो खेती की जाती है उसको आर्द्र कृषि कहते हैं। तो भारत में ये है मुख्य रूप से तटीय मैदान में। अब इसमें चलेंगे एक शुष्क कृषि या बारानी कृषि, ऐसी कृषि जो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है उसे कहते हैं शुष्क कृषि। शुष्कता का मतलब होता है पानी नहीं होना या बहुत कम होना, कौन सा, वर्षा बहुत कम होना या न के बराबर होना। तो अब ये 50 से कम वाली स्थिति में जो कृषि होती है ना उसे ही कहेंगे। अब जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो वहां क्या होता है
पानी बहुत कम बरसता ऊपर से। इसकी दूसरी विशेषता यह होती है कि यहां सिंचाई की सुविधा भी नहीं होती है, सिंचाई की सुविधा भी नहीं होगी। और फिर क्या होगा, न तो पानी ऊपर से आ रहा, न नीचे पानी, नीचे से व्यवस्था पानी देने की। सिंचाई का मतलब होता है फसल को कृत्रिम रूप से या कृत्रिम तरीकों से पानी उपलब्ध कराना, उसे कहते हैं सिंचाई। तो अब सिंचाई की सुविधा भी नहीं है, ऊपर से भी पानी नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में भी खेती की जाती है, ऐसा नहीं कि जमीन पड़ी हुई है, तो खेती की जाती है। तो उस कृषि को कहते हैं, उसका नाम क्या है, शुष्क कृषि। और इसी का नाम बारानी कृषि भी है, बारानी कृषि, ध्यान रखेंगे, शुष्क कृषि। और अब इसकी विशेषता यह कि अब फसलें कौन सी बोई जाएगी, ऐसा नहीं कि वहां गन्ना उगाएंगे, चावल उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, वहां कौन सी फसल उगाई जाती है, ज्वार, बाजरा, चना, जो चना जो। अब ये क्या कि ये फसलें क्यों बोई जा रही है, ये ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है, जैसे ज्वार बाजरा है। अब ये ऐसी फसलें हैं बेचारी, एक बार अगर बारिश हो जाए जुलाई में, तो एक बार की बारिश से भी ये विकसित हो जाती है, ये इनमें अनाज पक जाता है, ये जो फसलें है। तो इसलिए ये फसलें ही ऐसी है, चना है, जो है, पानी की कम जरूरत पड़ेगी। गेहूं को तो बहुत आवश्यकता होती है पानी, तो गेहूं सक्सेस नहीं है यहाँ शुष्क कृषि के अंतर्गत। यहाँ सक्सेस कौन सी, ये फसलें हैं। देखो प्रकृति ने बड़ा बैलेंस रखा है, शुष्क बागों में भी उसे मालूम है कि वहां भी तो इंसान और जानवर है, उनके फिर खाद्यान्न की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे। गेहूं चावल तो वहां पैदा हो ही नहीं सकते, तो फिर क्या किया उन्होंने, दूसरी ऐसी फसलों की उत्पत्ति की जो कम पानी में पैदा हो जाएगी। इसके लिए ये फसल, इन फसलों का प्रावधान रखा प्रकृति, देखो कितनी बुद्धिमान है, रखा नहीं इन फसलों का प्रावधान। अभी आप पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे, वहां बरसात नहीं होती, फिर भी इसका उत्पादन होता है, ज्वार बाजरे का, चना का, जो का होता है ना, इसलिए जिंदा है लोग वहां। तो ये शुष्क कृषि की विशेषता क्या होगी कि वहां ज्वार बाजरा चना जो इस प्रकार की फसलें बोई जाएगी, पहली बात सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, और दूसरी बात 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अच्छा, खेत की जुताई बहुत गहराई से की जाती है, जोतने का मतलब होता है हल चलाना खेत में, तो गहराई से जोतते हैं ना, तो पानी क्या होता है कि एक तो जब जुताई नहीं होती खेत की, तो जमीन ठोस होती है ना, जुताई करने से क्या है कि उसका वो थोड़ी नरम हो जाती है मिट्टी, नरम होने से क्या, जो ही बरसात थोड़ी बहुत तो बारिश होती है 10-20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर जो बारिश होती है, एक बार दो बार, उसका पानी अंदर प्रवेश कर जाएगा, काफी गहराई तक चला जाता है जमीन में, बहकर नहीं जाता, तो वो पानी काफी दिनों तक फिर अंदर बना रहता है, तो उसकी नमी से ये फसलें अपना विकास कर लेती है, इसलिए वहां गहरी जुताई करनी होती खेतों की। अच्छा, कहां कहां की जाती है भारत में, पश्चिमी राजस्थान, अपना थार का रेगिस्तान, यहाँ लार्ज स्केल पर यहाँ पर खेत, क्योंकि आप जानते हैं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है। जो ही आप अरावली पर्वतमाला क्रॉस करके उधर जाओगे पाकिस्तान की तरफ, पश्चिम की तरफ जाओगे, तो एवरेज जो है वर्षा का वो 50 से कम होता जाएगा, और जो ही अरावली पर्वतमाला से इधर जाओगे पूर्वी राजस्थान की तरफ, तो एवरेज वर्षा का 50 सेंटीमीटर से अधिक होता जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के सारे उत्तर दक्षिण दिशा में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा स्थित है। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान में होती है, पूर्वी राजस्थान नहीं आएगा इसमें। अच्छा, गुजरात, गुजरात में भी बारिश कम होती है ज्यादातर एरिया में, ऐसे कई एरियाज है जब कम बारिश होती है, तो वहां भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। एक महाराष्ट्र में, देखो महाराष्ट्र में दो तरह के एरिया है, एक तो ऐसा एरिया जहां घनघोर वर्षा होती है, ये महाराष्ट्र में पूरा ही है, तो यहाँ ये तो है मुंबई वगैरह, यही है रत्नागिरी मुंबई, तो मुंबई में तो बहुत अधिक बारिश होती है, क्योंकि मुंबई पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, तो वहां जो ही टकराएंगे बादल पश्चिमी घाट पर्वतमाला से, तो मुंबई में पानी बरस जाता है, इसलिए मुंबई में बहुत अधिक बारिश होती है। तो ये जो इलाका है महाराष्ट्र का, वहां तो आर्द्र कृषि होगी, लेकिन पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग या पूर्वी ढाल, इधर पुणे, तो पुणे में जाएंगे तो वहां वर्षा बहुत कम होती है, तो इस एरिया में एक विदर्भ कहलाता है, विदर्भ एरिया, तो विदर्भ में बहुत सूखा पड़ता है हर साल, और वहां जो कृषि की जाती है वहां बरसात बहुत कम होती है, तो वहां जो कृषि की जाती है वो भी इसी प्रकार की होती है, बारानी कृषि, शुष्क कृषि। इसे तो ये विदर्भ में, भारत में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या यहाँ विदर्भ में ही करते हैं, क्योंकि फसल पैदा होती नहीं है, बेचारे कर्ज ले लेते हैं, कर्ज चुका नहीं पाते, तो टेंशन में आके सुसाइड कर देते हैं। अच्छा, आगे चलेंगे, फसल चक्र क्या होता है, खेत में या उसके किसी भाग में हर वर्ष बदल बदल कर फसल बोना,
खेत में या उसकी किसी बाग में हर वर्ष बदल बदल कर फसल बोना। बदल बदल कर हर वर्ष फसल बोलने का मतलब यह हुआ कि जैसे इसको समझो, मान लो कोई खेत है, उस खेत में इस साल मक्का बोई तो अगले साल उड़द बोएंगे, ये कहलाता है फसल बदल कर बोना। ऐसा नहीं इस साल मक्का बोई अगले साल भी मक्का फिर अगले साल भी मक्का, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर मक्का ही रेगुलर बोए जाओगे तो क्या होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी जमीन में, मृदा में, तो मृदा में कमी हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसका उस जमीन का उस खेत का उपजाऊपन कम हो जाएगा। तो उसका उपजाऊपन बना रहे इसके लिए क्या करना होता है कि भाई उसमें नाइट्रोजन, जो एक साल अपने मक्का की फसल हुई उसमें नाइट्रोजन कम हो गई, तो वापस उसकी रिफिलिंग करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ऐसी फसल बोई जाती है मक्का के तुरंत बाद अगले साल, जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देगी। कौन सी दलहन फसलें, जैसे उड़द बो दिया, मूंग बो दिया, ग्वार बो दिया, तो ये फसलें ऐसा ही काम करती, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देगी। तो इससे कहते हैं फसल चक्र, रोटेशन में फसलें बोई जाती है, क्रॉप रोटेशन। और क्यों किया जाता है, टू प्रिजर्व द, यानी खेती उसकी मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी पावर ऑफ सोइल। तो इसमें क्या होता है, एक साल मक्का बोली फिर अगले साल उड़द बोली, ऐसे रोटेशन चलता है फसलों का। अच्छा उसमें क्या होता है, रबी में कि एक साल मान लो सरसों बोली तो फिर अगले साल की बुआई किसकी होगी, अगले साल होगी चना बोएंगे उसमें, है ना, एक साल सरसों बोली तो अगले वर्ष उसमें बोएंगे चना। तो ये ऐसे रोटेशन चलता है। अब देखिए आप, एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका दूसरा भी है, कौन सा, ये भी खूब देखने को मिलता है फसल चक्र वाला। ये 5 बीघा का खेत है किसी किसान के, ऐसा करते हैं इसको 2 भागों में बांट देते हैं, किसान क्या करता है 2 भागों में बांट देता है। तो एक भाग में तो इस साल मक्का बो दिया और एक भाग में उड़द बो दिया, है ना, इस साल की बात है। अब अगले साल क्या करेगा, वो इधर उड़द बो देगा और इधर मक्का बो देगा, तो भी रोटेशन हो गया ना फसल का, जमीन की जो उर्वरा शक्ति वो तो बच जाएगी ना। इस साल जैसे इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई और इसमें नाइट्रोजन भरपूर हो गई, तो अब के साल नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, यहां भरपाई होगी ना, नाइट्रोजन पर्याप्त है यहां, तो इस मक्का को यहां बोएंगे और इस उड़द को इधर बोएंगे, जो पिछले साल यहां नाइट्रोजन की कमी हुई थी उसकी पूर्ति ये उड़द कर देगा, और इधर जो पिछले साल उड़द ने नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई थी उसका उपभोग हो जाएगा, उसका भोग हो जाएगा, वो काम में ले ली जाएगी, इसलिए मक्का को इधर बो देते हैं। एक ये भी सिस्टम चलता है। इसका फायदा ये होता है कि किसान को, मान लीजिए वो तो खाद्यान्न भी चाहिए, अब उसको ये खाद्यान्न चाहिए घर बच्चों के लिए, परिवार के लिए खाने के लिए, मक्का चाहिए, मक्का खाता है सब किसान परिवार, मक्के की रोटी खाता है, अब हर साल मक्का भी चाहिए उसको। तो अब उस सिस्टम में जो पहले वाला मैंने बताया कि एक साल मक्का बोना एक साल उड़द, तो फिर एक साल खाने की व्यवस्था कैसे होगी। अच्छा खेत इतना बड़ा नहीं है कि एक खेत से 2 साल 3 साल एक बार जो पैदावार होती है उससे 2 साल तक खाना मिल जाएगा, इतना उत्पादन है नहीं, खेत ही छोटा ही है, 5 बीघा में जो उत्पादन होगा उससे 1 साल ही अपन रोटी खा सकते हैं, ये व्यवस्था रहती है। किसान ज्यादातर किसान छोटे हैं, तो अब क्या होता है कि फिर इस सिस्टम में क्या होता है, हर साल मक्का 2.5 बीघा में तो हर साल मक्का पैदा ही होगा, एक साल इधर हो जाएगा एक साल इधर हो जाएगा, तो किसान को क्या रहेगा, क्या खाद्यान्न भी उपलब्ध होता रहेगा रेगुलर, इधर भूमि की जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, उपजाऊपन है, वो भी बना रहेगा, वो कम नहीं होगा। अच्छा एक ट्रक कृषि क्या होती है, इससे समझिए जरा, ट्रक फार्मिंग, ट्रक ये है वो बस ट्रक वाला। देखो जहां सब्जियां और फल बोए जाते हैं पूरी की पूरी जमीन में, 10 बीघा 20 बीघा 30 बीघा जो भी है, 5 बीघा, अब सब्जियां फल बोए जाएंगे ना, ये दोनों ही ऐसे उत्पाद है कि तुरंत काम में लेना होगा इनको। जैसे गेहूं है तो आज मान लीजिए आज पैदा हो आपके खेत में गेहूं, आप 6 महीने में इसको बाजार में बेचोगे नहीं है, काम में नहीं लोगे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सब्जी नहीं टिकेगी। टमाटर आज तोड़ दिया तो आज ही उसको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, बाजार में बेचना पड़ेगा। फलों में भी यही स्थिति है,
अंगूर आ गए आज तो बेचना जरूरी, वरना दो दिन लेट कर दिया, तीन दिन कर दिया तो खराब हो जाएंगे अंगूर, आम खराब हो जाएंगे। तो ये यानी कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि ऐसी फसलें बोई जाती है जहां जिनको तुरंत बाजार में बेचना होता है तोड़ने के बाद, तो वहां पे क्या होता है कि ट्रक की जरूरत पड़ती है। यानी ये खेती तभी संभव है जब ट्रक की व्यवस्था हो किसान के पास, या तो खुद का हो या किराए का हो, जो रोज मिल जाए, क्योंकि उसको बाजार में माल पहुंचाना होता है। जैसे आज दिन भर टमाटर तोड़ा, रात तोड़ के शाम को क्या करेंगे, ट्रक में लोड कर देंगे और ट्रक को रवाना कर दिया, अभी दिल्ली के बाजार में बेच के आना है, है? तो दिल्ली गया ना, दिल्ली बेच के रात भर चलेगा और किसान क्या करेगा, ट्रक को रात भर में वहां पहुंचा देगा दिल्ली, दूसरे दिन सुबह वहां दिल्ली की मंडी में उसको सप्लाई कर देंगे, बेच देंगे। तो ट्रक इसमें मस्ट है, यानी इस प्रकार की कृषि में ट्रक अत्यावश्यक है, इसलिए इसको ट्रक कृषि कहते हैं। बिना ट्रक की ये सक्सेस नहीं है कृषि।